यस सर, ठीक है। तो बिल्कुल न्यू और लेट डिले स्टार्ट होने के पीछे था रीजन कि टाइम स्लॉट शेड्यूल मिल नहीं पा रहा था, तो इसलिए अब जो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे मैक्सिमम, ये नॉर्मल डिजिटल बोर्ड तो नहीं है लेकिन नॉर्मल बोर्ड पे हम स्टार्ट करेंगे। मेजरली हमें ना कॉन्सेप्ट पता चलता जाएगा, समझ आता जाएगा और कुछ नहीं है। और मैं प्योरली क्वेश्चंस जो है वो मैं बुक को रेफर करूंगा, और बुक MN अरोड़ा बुक जो आप सभी के पास है इसके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है और कैसे पढ़ने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, उस सभी बातों पे डिस्कस करेंगे। पहले हम एक छोटा सा ना बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि होता क्या है। नॉर्मली कोई भी बिजनेसमैन जो होता है ना, कोई भी बिजनेस है, अगर मैं किसी भी बिजनेस की बात करूं तो हर एक बिजनेसमैन का ना एक अपने टारगेट होता है, एक अपना टारगेट होता है कि हमें इस साल में इतने रुपए प्रॉफिट कमाना है। हर किसी का टारगेट होता है, यानी हमारा एक टारगेट है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं तो मैं भी एक बिजनेस कर रहा हूं एजुकेशन से रिलेटेड, इसके अंदर मेरा एक टारगेट है कि मुझे कितने बच्चों को पढ़ाना है, कितने स्टूडेंट जोड़ने हैं। ऐसे अपना हर बिजनेस का एक टारगेट होता है। सर हर बिजनेस का टारगेट होता है कि मान लिया जाए कि मेरा टारगेट था कि मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा, इस साल टारगेट है कि 10 लाख रुपए मैं कमाऊंगा पूरे साल में। अब मुझे बताइए, आप कमेंट में भी बताइएगा कि जो ये टारगेट है 10 लाख रुपए कमाऊंगा, क्या ये अचीव होगा या नहीं होगा? ये टारगेट जो 10 लाख रुपए है, ये मेरा टारगेट है, तो क्या ये अचीव होगा या नहीं होगा? दोनों पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जनरली हम जितना टारगेट रखते हैं उससे थोड़ा बहुत हमेशा कम ही होता है। तो टारगेट रखने के बाद मान लिया जाए कि मेरे 9.5 लाख ही अचीव मैं कर पाया, यानी इस टारगेट के लिए मैंने अचीव कितना किया? आप मुझे बताइएगा कि ये जो 9.5 लाख आया होगा वो कैसे आया हो? बड़ी सीधी सी बात है, सारे खर्चे सारे सेल्स को माइनस करने के बाद 9.5 आया होगा। तो जो आप एक टारगेट रखते हैं ना, ये क्या है? 10 लाख, बताइए क्या है? ये है हमारा टारगेट, और ये कितना हो गया? ये हमारा अर्न हो गया। अर्न मतलब एक्चुअल हो गया, ठीक है ना? अर्न का मतलब क्या हो गया? एक्चुअल। कुछ एक और सवाल पूछूंगा। मान लिया जाए आपका सेमेस्टर सिक्स है, मान क्या लिया जाए आपका सेमेस्टर सिक्स है, और आपने एक मार्क्स लाने का टारगेट रखा कि मैं लेके आऊंगा 80%, मैं लेके आऊंगा 80%, और जब आपने एग्जाम दिया तो सपोज करो आपके आए यहां पे 78%, तो आप मुझे बताना, 2% आपके सामने हैं। पहला सवाल मेरा है कि इसमें से टारगेट परसेंटेज कौन सा है और एक्चुअल परसेंटेज कौन सा है? इसमें से टारगेट परसेंटेज कौन सा है, बताइए? 80% हमारा क्या है? टारगेट। और एक्चुअल कौन सा है हमारा? 78। यानी टारगेट परसेंटेज के लिए आपने कितनी मेहनत करी, टारगेट परसेंटेज 80 सोचने के लिए आपने कितनी मेहनत करी, ये बताइए। तो जवाब होगा सर, टारगेट परसेंटेज सोचने के लिए कोई मेहनत थोड़ी ना करता है, मेहनत करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है टारगेट परसेंटेज के करने के लिए। वीडियो में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा आप, ठीक है? तो टारगेट परसेंटेज के लिए कोई मेहनत थोड़ी ना करता, वो तो मैंने सोचा था कि मेरे 80% होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल के लिए हमें मेहनत करना पड़ा, दैट इज आपको 78 मिले। मैं एक और एग्जांपल लूंगा। रिलायंस ने सोचा
कि मैं इस बार 500 करोड़ रुपए कमाऊं। मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं, जबकि रिलायंस ने कमाया यानी जो प्रॉफिट हुआ वो 480 करोड़ का हुआ। आप मुझे जवाब दीजिए, इसमें से टारगेट कितना है और एक्चुअल हुआ कितना, टारगेट कितना है और एक्चुअल हुआ कितना, ये जवाब। टारगेट कितना है और एक्चुअल हुआ कितना, जितने बच्चे लाइव में बताइए। निशा, दीपक, प्रिंस, रजत, दीपक का कहना है सर टारगेट तो 500 करोड़ है, मीसा का भी कहना है सर टारगेट 500 करोड़ है, और दीपक का कहना है सर एक्चुअल 480। जितने बच्चे हैं सभी जवाब दीजिए, सर टारगेट 500 करोड़ और एक्चुअल जो है 400। बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब आपको एक समझ में आ गया, एक छोटी सी बात, कि जो हम सोचते हैं कि इतना होना चाहिए दैट इज टारगेट, और एक्चुअल उससे हमेशा डिफर कर जाता है, चेंज हो जाता है एक्चुअल में। इसी चेंज को जानने के लिए हमें इस चैप्टर को सिखाया जाता है, जो टारगेट हमने सोचा था ना इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, और जो आपका हुआ इसको बोला जाता है एक्चुअल। से क्या बोला जाता है, एक्चुअल। तो सबसे पहले जो आपका सोचा जाता है कि इतने में इतना होना चाहिए बिना करे हुए, उसे क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड, और जो हो गया काम करने के बाद उसको क्या बोला जाएगा एक्चुअल। यानी सर अभी जो 5 से 7 मिनट आपने मेरे साथ दिए हैं के अंदर हम सिर्फ ये समझ पाए हैं कि स्टैंडर्ड किसे बोला जाएगा और एक्चुअल किसे बोला जाएगा। और हर जगह एक ही बात की टेंशन है कि हम जितना टारगेट यानी जितना स्टैंडर्ड सोच के चल रहे हैं कि ये होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। होने का क्या रीजन? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब है कि भैया रीजन ढूंढो आप, यानी आपका प्रॉफिट है। आप जब कभी भी प्रॉफिट कमाएंगे तो प्रॉफिट कमाने में बड़ी सीधी सी बात है, दो चीजें इन्वॉल्वमेंट होगा। प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर, प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ सर। प्रॉफिट एक तो सेल्स से निकलेगा और एक इसके अंदर इन्वॉल्व होगा खर्चा। यानी प्रॉफिट जो निकला होगा वो सेल्स से निकला होगा और या फिर निकला होगा किससे, खर्चे से। अगर मैं बताऊं कि आपका अचीव ना होने में यानी जो आपका प्रॉफिट अचीव नहीं हो पा रहा उसके अंदर कौन जिम्मेदार है, हो सकता है आपका सेल्स रिस्पॉन्सिबल है और हो सकता है आपका एक्सपेंस रिस्पॉन्सिबल। मान लिया जाए आपने टारगेट रखा था कि आप 100 करोड़ कमाओगे और आपने सेल्स कट करा आपने 500 करोड़ का, और आपका एक्सपेंस जब था वो था 420 करोड़ का, आप 80 करोड़ कामयाब हुए कमाने में एक्चुअल। तो सर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या आपका खर्चा जिम्मेदार है या सेल्स जिम्मेदार है? तो सर इसके लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका सेल्स का भी क्या टारगेट था और एक्सपेंस कितना सोचा हुआ था। यानी कहीं ना कहीं सेल्स की वजह से भी आपके प्रॉफिट में फर्क पड़ता है और एक्सपेंस की वजह से भी प्रॉफिट में फर्क पड़ता है। लेकिन एक्सपेंस का मतलब सिर्फ एक्सपेंस अकेला नहीं होता, एक्सपेंस में और भी चीजें होती है। यहां पे ध्यान दीजिएगा सर, एक्सपेंस अकेला नहीं होता, एक्सपेंस के अंदर 3 फैक्टर आ जाते हैं। एक एक्सपेंस के अंदर क्या आ जाता है हमारा, मटेरियल, और क्या आ जाता है लेबर, और क्या आ जाता है ओवरहेड। ये 3 बातें जो है वो आ जाती है हमारे किसके अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब हो सकता है मान लिया जाए आपने सेल्स जितना टारगेट लगा था ठीक ठाक हुआ, 500 करोड़ सोचा था हुआ, लेकिन फिर भी आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उसके पीछे हो सकता है आपका मटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ गई हो सकता है आपका लेबर महंगा हो गया हो सकता है आपका ओवरहेड आपने सही से इस्तेमाल ना किया हो। तो ये एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो आपको इन 3ों के बारे में सोचना पड़ेगा।
और हो सकता है सेल्स के अंदर आपकी कमी हुआ हो अगर हम माने तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कहता है कि जो आपका जो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा 100 करोड़ का, इसका रीजन क्या है, उसी रीजन को समझने के लिए हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिखा कि जो आपने सोचा था और वो अचीव नहीं हो पाया तो कहां कहां गलती थी। तो अब हम हर एक फैक्टर को अलग अलग सीखेंगे, मटेरियल में मटेरियल की वजह से अगर कोई गलती होती है तो कहां कहां हो सकता है, लेबर की वजह से गलती हो सकती है तो कहां कहां हो सकता है, और ओवरहेड की गलती करें, और ओवरहेड की भी मैं बात करूं तो ओवरहेड में भी दो पार्ट्स आ जाते हैं। खर्चा कितने तरीके का होगा, एक क्या होगा हमारा फिक्स्ड होगा और एक वेरिएबल, एक फिक्स्ड होगा और एक वेरिएबल होगा। अब हम सीख क्या रहे हैं बेसिकली कि हमने जो सोचा था और दूसरा अचीवमेंट क्यों नहीं हुआ, उसके बीच में क्या डिफरेंसेस है, और इस डिफरेंस को हम इस वाले चैप्टर के अंदर वेरियंस के नाम से जानते हैं। जैसे वेरिए जो करता है उसको क्या बोलेंगे, वेरियंस। तो हमारा इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कितने चीजें, हमें मटेरियल को अच्छे से समझना होगा, हमें लेबर को अच्छे से समझना होगा, ओवरहेड में हमें फिक्स को समझना होगा और वेरिएबल को समझना होगा, साथ के साथ हमें प्रॉफिट को भी समझना होगा और सेल्स को भी समझना होगा। तो हम इस चैप्टर में टॉपिक की बात करें, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब व्हाई चेंजेस, व्हाई चेंज इन टारगेट एंड एक्चुअल। जो हमने टारगेट लिया था और जो एक्चुअल में है, इन दोनों में फर्क क्यों आया, उसी फर्क को जानने के लिए हमें पढ़ाया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और ये फर्क आने के रीजंस हो सकते हैं कि आपके सेल्स में ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है आपके एक्सपेंस में ऊपर नीचे कर दिया, और एक्सपेंस को भी और डेप्थ में पढ़ेंगे तो मटेरियल में ऊपर नीचे कर दिया, लेबर में ऊपर नीचे कर दिया, ओवरहेड में नीचे ऊपर कर दिया, या फिर फिक्स और वेरिएबल में कर दिया, ओवरहेड में भी देखा जाए। तो हमारा टॉपिक इतने ही है, अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये टॉपिक कवर करेंगे, फिर नंबर 2 पे हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, नंबर 3 पे ये टॉपिक कवर करेंगे, नंबर 4 पे ये टॉपिक कवर करेंगे, और नंबर 5 पे अगर हमने ये कर लिया तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट तो निकल ही जाएगा। हमारे सिलेबस के अंदर, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने टॉपिक है सर, इसमें 4 टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना है अलग अलग इन डिटेल, 4 टॉपिक है डिटेल में हमें पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल, लेकिन इससे करने से पहले हम कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, बेसिक बेसिक पॉइंट्स देखेंगे, किताबों से अलग थोड़ा सा बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि आपको समझ में आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, और कुछ हम एक दो पॉइंट को किस तरीके से मैनेज करेंगे। अगर हमें डेटा को समझ में समझना आ गया, मान लो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको आ गया, जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके साथ, मान लेते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट 1 यूनिट के लिए हमें ए और बी दो चीजें लगानी होगी, इसका 2 किलो लगाना पड़ेगा, इसका 3 किलो लगाना पड़ेगा, ये 2 रुपए का प्राइस है और ये 1 रुपए का प्राइस है। तो साहब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि नॉर्मली हमारा देखा जाए सारे मापदंड के हिसाब से, अगर आपको 1 यूनिट कोई तैयार करना है तो उसके लिए ए का 2 किलो, के का मतलब किलो है जिसे केजी कर देते हैं, ए का 2 किलो और बी का 3 किलो लगाना होगा, जिसका मार्केट प्राइस आपका जनरली ये रहेगा, और वो हमने प्लानिंग की। बेसिकली स्टैंडर्ड का मतलब या टारगेट का मतलब होता है प्लानिंग, आपने प्लानिंग किया कि ये रहेगा। लेकिन सर एक्चुअल, एक्चुअल की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में क्या हुआ, हमने आउटपुट जो किया, आउटपुट का मतलब जो बनाया, जो बन के निकला, आउटपुट जो निकला वो मान लेते हैं हम कि हमारा 100 यूनिट, 100 यूनिट, और इसके अंदर ए का जो लगा, ए का लगा हमारा 230 किलो,
और जो बी का लगा वो लगा हमारा 290 किलो, और इसका मार्केट में रेट बदल चुका था एक्चुअल जब गए तो। ये था हमारा 2 रुपए 50 पैसे और ये हमें 80 पैसे का पड़ा, 80 पैसे का। तो आपके सामने दो सिचुएशन, ठीक है, दो सिचुएशन, ठीक है। एक तो आपने सोचा था कि भैया एक यूनिट को अगर आप बनाते हो तो कितना लग जाता है आपका, 2 किलो, और बी का कितना लग जाएगा, 3 किलो, और उसका मार्केट रेट। दूसरा, आपने 100 यूनिट बना के एक्चुअल तैयार किए, क्या हम इन दोनों का कंपैरिजन कर पाएंगे? सर आंसर है, इन दोनों को अभी सर कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक यूनिट की बात कर रहा है। अगर मैं टोटल रेट भी निकाल दूं तो 4 रुपए और 3 रुपए, और यहां भी टोटल रेट निकाल दूं, टोटल रेट क्या होगा सर, निकाल के बता देता हूँ। 230 इंटू में 2.5 पर केजी है, 575, और 0.8 इंटू 290, 232, ये बता दिया। तो अगर मैं पूछूं कि क्या इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है, तो जवाब है सर नहीं हो सकता इन दोनों का कंपैरिजन। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर ये एक यूनिट है और ये 100 यूनिट है। अब मुझे आप बताएं, बताना है कि आपने जो सोचा था, जो टारगेट था, जो आपने सोचा था स्टैंडर्ड, और ये क्या माना जाएगा हमारा एक्चुअल, जो एक्चुअल आपने किया, स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों अचीवमेंट हो पाया या नहीं हो पाया, सिर्फ आपको कैलकुलेशन के फॉर्म में ये बताना है। तो चलिए सर हम ये देखते हैं कि कर पाए या नहीं कर पाए, आंसर की बात करते हैं। आंसर देखा जाए तो सबसे पहले तो भैया ये स्टैंडर्ड को से कंपैरिजन नहीं करते तो हमें स्टैंडर्ड को 100 यूनिट के बराबर लाके खड़ा करना पड़ेगा। यानी अगर स्टैंडर्ड को हम 100 यूनिट के बराबर लाके खड़ा करें, इसको एक टेबलर फॉर्म में कर लेते हैं जिससे आसानी हो। यहां पे कर लेते हैं स्टैंडर्ड और यहां कर लेते हैं एक्चुअल, और दो ही चीजें लेके चलेंगे, अभी अमाउंट को हम नहीं चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद अमाउंट को चर्चा करेंगे। स्टैंडर्ड हमारा एक यूनिट का दे रखा है, लेकिन अब हमें कितने यूनिट का बनाना पड़ेगा, 100 का, और ये भी कितने का है, 100 का, तभी तो दोनों में कंपैरिजन हो पाएगा। अब ए का अगर हम बताएं 100 यूनिट लगाने का, तो अगर एक यूनिट पे 2 किलो लग रहा है तो 100 यूनिट पे कितना लगेगा, 200। इसके ऊपर भी एक लाइन और कर देती, क्वांटिटी क्वांटिटी एंड रेट, थोड़ा और इसको ना डिटेल कर देते हैं आप, और एक दो सवाल आपसे भी पूछेंगे। और इसको आप चैप्टर मत मानिए, चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस मैं आप बेसिक नॉलेज को टेस्ट कर रहा हूं आपको कितना चीजें नॉर्मल समझ में आता है, तभी हम इस चैप्टर को आगे शुरू कर पाए। ये स्टैंडर्ड के लिए काम कर रहा हूं 100 यूनिट, ये एक्चुअल के लिए काम कर रहा हूं, ये तो 100 ही था, एक्चुअल को नहीं बदलते, स्टैंडर्ड को 100 के हिसाब से सोचना पड़ेगा, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, यहां क्वांटिटी, यहां रेट और यहां अमाउंट, क्वांटिटी रेट और अमाउंट, यहां पर्टिकुलर। आप बताइए स्टैंडर्ड से ए और बी में कितना लगेगा, स्टैंडर्डली देखा जाए एक यूनिट में 2 किलो है, 100 यूनिट में कितने लगेंगे, और अगर हम देखा जाए तो बी का कितना लग रहा है हमारा, 3 किलो एक यूनिट को बनाने में, तो 100 यूनिट में कितने लगेंगे। रेट तो सर वही रहेगा, अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो ये कितना लगेगा और ये कितना लगेगा, 300। एक्चुअल आपको दे ही रखा है तो एक्चुअल कितना दे रखा है, 230, और लगा कितना, 2.5, जो कि होता है 575। और दूसरा अगर बी का देखा जाए तो कितना है, 290, जो कि कितना है, 80 पैसे, जो कि कितना होता है, 232। और अगर हम टोटल के मामले में बात करें तो
भैया स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको बनाने के खर्चा, मतलब इस मटेरियल का खर्चा, खरीदने का ही खर्चा 700 रुपये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में 700 रुपये की जगह पे क्या आ गया हमारा, 500, 807, यानी आपका खर्चा बढ़ गया। सर इस 807 यानी आपका कितना होना चाहिए था, 700, और 700 से आपका कितना हो गया, 807। सर आपकी उम्मीद पे किसने जो है क्या क्या इम्पैक्ट करा, तो मैं देखूंगा कि ये 400 और ये 575 यानी ए वाला तो हमें महंगा पड़ गया, और दो तरफ से एक ही मार पड़ी है हमें, यूनिट के तरफ से भी मार पड़ी है हमें, क्योंकि 200 लगने चाहिए और यूनिट कितने लग गए, और दूसरी मार कहां से पड़ी हमें, प्राइस की तरफ से। यानी आपका क्वांटिटी में भी फर्क कर दिया आपने, और साथ के साथ देखा जाए तो प्राइस भी बदल गया, इसलिए आपको महंगा पड़ गया आपके सोच से। दूसरा देखा जाए तो बी के साइड अगर देखा जाए तो ये तो 300 था, यहां 232, यहां थोड़ा फायदा मिल गया, थोड़ा रिलैक्सेशन मिला, पर कहां से रिलैक्सेशन मिला साहब, साहब यूनिट के टर्म्स में भी रिलैक्सेशन मिला और प्राइस के टर्म्स में भी रिलैक्सेशन मिला। तो आप मुझे बस ये निकाल के देखते हैं पहले हम कि ए कितना रिस्पॉन्सिबल है और बी कितना रिस्पॉन्सिबल है। ए की वजह से अगर देखा जाए, ए की वजह से, ए का जो हमने स्टैंडर्ड सोचा था और ए का जो एक्चुअल हुआ उसकी वजह से देखा जाए तो 400 और 575 यानी ए की वजह से मेरा नुकसान हो गया 175 का, इसकी वजह से नुकसान हुआ ए की वजह से। और जब बी का नुकसान हुआ, बी में नुकसान या फायदा देख लें तो बी का था 300 और 232 रुपए, तो देखा जाए यहां पे 68 रुपीज का ये फायदा हो गया। तो जब हमारा नुकसान हो जाता है ना, जितना सोचा है और लेकिन वो खर्चा उससे कहीं ज्यादा कर रहे हो आप, तो उसको बोला जाता है, ए से डिनोट कर देते हैं आप, दैट इज एडवर्स। क्या होता है ये, एडवर्स। और इसको हम एफ से डिनोट कर देते हैं, इसका मतलब फेवरेबल, किससे कर देंगे हम, फेवरेबल से, ठीक है ना, एडवर्स और फेवरेबल। फेवरेबल मतलब आपने जो सोचा आपके बेहतर हो गया, आपके उसमें रहा। आपने बताया सर, अगर हम देखें ना तो ये है, तो और डिटेल में चर्चा करूं अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताइए इसमें क्वांटिटी कितना रिस्पॉन्सिबल है और प्राइस कितना रिस्पॉन्सिबल है, आप मुझे बताइए इसमें क्वांटिटी कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो आपका जवाब होगा सर क्वांटिटी ना इसमें रिस्पॉन्सिबल 30 यूनिट का है और जो प्राइस रिस्पॉन्सिबल है 50 पैसे का। तो आप ध्यान से देखेंगे नेट इंपैक्ट इसका, इसका नेट इंपैक्ट देखेंगे तो कितना आ रहा है, ये 175 माइनस में 68, 107। और अगर आपने बोला सर क्वांटिटी जो रिस्पॉन्सिबल है वो है 30A का ही काम चल रहा है अभी, और एक मिनट मैं सिर्फ ए की बात कर रहा हूं, नेट तो ये आ गया, मैं ए की बात कर रहा हूं, और प्राइस रिस्पॉन्सिबल है 0.5, तो 30 15, कितने आए थे, नहीं 2 और 2, 230। तो ये हमारा क्वांटिटी की वजह से देखा जाए, क्वांटिटी और प्राइस की वजह से देखा जाए। तो इसको एक मिनट के लिए इसको हम स्किप करते हैं, रुकिए, पहले यहां तक देखिए आपको सब समझ में आ गया। अब मैं आपको ऐसा ही एक सवाल इसी को बदल के दिखाता हूं, ठीक है, आपको अभी करके बताना है मुझे, मैं सवाल को बदल के दिखाता हूं, पहले यहां तक समझ में आया, सिर्फ आपको ये मुझे टेबल तैयार करके दिखा देना, टेबल क्या है बेसिकली मुझे बताना है। और अगर मैं देखा देखो ना वेरियंसेस के, मतलब के चेंजेस कितने आए मटेरियल में वेरियंसेस, तो मटेरियल के अंदर वेरियंसेस जो आया ना वो आया हमारा 700 माइनस 807, दैट इज 107, और ये हमारे फेवर में नहीं रहा, दैट इज एडवर्स। तो मटेरियल वेरियंस की बात करें एडवर्स। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ, यहीं पे चेंज करता हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा, मैं आपको समय दूंगा इसके लिए। सर जो है ना ये जो यूनिट है वो 10, या नया सवाल, न्यू सवाल बना देते हैं आपके लिए, इधर एग्जाम्पल लिए, ठीक है, आप उसका जवाब दीजिए। स्टैंडर्ड 10 यूनिट बनाने के लिए आपको ए का लगेगा और बी का लगेगा, 10 यूनिट बनाने के लिए आपका लगेगा 5 kg और 8 kg, रेट है 4 रुपए और 3 रुपए, और आपने एक्चुअल
एक्चुअल बनाया 1000 यूनिट, जिसके लिए ए का और बी का लगा आपका 1000 के हिसाब से देखा जाए तो 100 600, और ये लगा हमारा 780। रेट जो था ये हो गया 2.3.9 और इसका रेट हो गया 3.2। दोनों सवाल समझ में आ गया? देखो बिल्कुल सेम सवाल, आप मुझे बताइए क्या बताने हैं। सर मुझे आप कैलकुलेट करके बता दीजिए कि हमारा मटेरियल के अंदर कितने चेंजेस आया, वो हमारे फेवर में है या फेवर में नहीं है। ये टेबल आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे वाली कोशिश करोगे कैलकुलेट करने का नहीं होगा। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि आप बताइए मुझे, सबसे पहले बताइएगा कि ए का मटेरियल कितना बदलाव हुआ। जैसे इस वाले में मैंने बोलूंगा कि सर ए के मटेरियल में कितना हुआ 200 से, क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, रेट की बात नहीं कर रहा, पहले क्वांटिटी में। तीन बातों में सवाल पूछूंगा मैं, क्वांटिटी के फॉर्म में पूछूंगा, मैं रेट के फॉर्म में पूछूंगा और मैं टोटल के फॉर्म में पूछूंगा जवाब। तो क्वांटिटी में अगर इसका पूछूं तो बोलोगे सर ए में 230 हमारा ज्यादा खर्चा हो गया इसलिए हमारे फेवर में नहीं, और बी में 10 बच गए ये हमारे फेवर में है। रेट में पूछूं तो सर ए का रेट भी बदल गया, महंगा हो गया सामान, लेकिन बी के अंदर हमारे फायदा हो गया। टोटल में बात करेंगे तो सर टोटल में देखा जाए ए के अंदर 175 यूनिट आपके ज्यादा पैसे खर्च हुए, 175 रुपए, और बी में लेकिन आपके 68 रुपए बच गए। तो ये तीन सवाल पूछने वाला हूं और इन तीन सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा, ए का भी बी का भी और सी का भी, फटाफट जवाब दीजिएगा। पूरा टेबल आपको रजिस्टर पे बनाना है, सिर्फ ये सिखाने के लिए आपको मैं कर रहा हूँ। अगर ये सीख लिया तो फिर आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बेसिक किताबी बातों को छोड़ देते हैं, इलस्ट्रेशन छोड़ देते हैं, फॉर्मूला छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी देखी होगी, प्रीवियस लेक्चर देखकर सोचा होगा, उन सब बातों को छोड़ के पहले ये समझ लेते हैं, जिसका किताब से कोई लेना देना। और इसको नोटिंग भी करिएगा। तो चलिए, जो आपने सवाल बताया है काफी बच्चों का क्या जवाब है और उसके जवाब के हिसाब से देख लेते हैं सही है या गलत है। ये सारे हम अरेंज कर देते, आपको भेज दिया जाएगा। सवाल ये, यानी पहले अगर हम बात करें, और ये ना स्टैंडर्ड बना के चलिएगा, आपको आगे दिक्कत नहीं है, मतलब फॉर्मेट सबसे पहले क्वांटिटी रेट और अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। यहाँ ये स्टैंडर्ड ले लेते हैं पहला और एक्चुअल। सर स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से दे रखा है, लेकिन 10 से बात नहीं बनेगी ना, स्टैंडर्ड को भी किससे बनाना पड़ेगा 1000, और एक्चुअल तो 1000 से है ही है। तो एक्चुअल तो हमारा अगर देखा जाए ए का, तो सवाल खुद ही कह रहा है 600 और 700, बस किसका है ये बी का। अब हम स्टैंडर्ड की बात करें ना, तो स्टैंडर्ड के अंदर हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, यानी सर 10 यूनिट और 1000 यूनिट, आप देखिए 10 यूनिट और 1000 यूनिट। आप ऐसा कर सकते हैं, जो 1000 यूनिट में कन्वर्ट करना है डिवाइडेड बाय आप 10 कर देंगे ना, तो आपको एक ऐसा यूनिट मिल जाता है जिससे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका मतलब आपका ए का जो क्वांटिटी होगा वो 500 होगा और बी का क्वांटिटी 800 होगा। रेट आपका वही रहेगा, रेट को मल्टीप्लाई नहीं करना होगा 8, और यहाँ पे रेट हमारा है 3.9 और 3.2। इसका देखा जाए तो ये आएगा 2500 और ये आएगा 6400। इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या, हाँ, 4 बार, रेट में क्या लिख दिया, अच्छा 4 और 3 होगा, ठीक है ठीक है, ये गलत लिख गया, रेट 4 और 3,
2400, 2400, ठीक है, इसका क्या आएगा, 2340 और 2400, तो सर ये जो आया ये आ गया हमारा 2400, और ये आया 4836। तो मैंने सवाल जो पूछा था, अगर क्वांटिटी के टर्म्स में बात करें ए और बी का, तो भैया क्वांटिटी 500 और 600, 100 का नेगेटिव, 800 और 780, 20 का फेवरेबल। अगर हम बात करें टोटल के टर्म्स में, अमाउंट के टर्म्स में, 2000 और 2340, 340 ए का है, और बी की बात करें तो 700, 800, यानी 20 फेवरेट। रेट की हम बात करें तो रेट में आप बता दोगे 10 पैसे का 0.1 का फेवरेबल, और 3 यानी 0.2 का एडवांस, ठीक है, इसका 26 6 में, हाँ 6, ठीक है। एक और सवाल पूछूं, चलिए अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट 5 है, और 5 यूनिट बनाने पे हमारा ए का लगेगा और बी का, 6 kg, 7 kg। अभी इसके अंदर ना लॉसेस वगैरह नहीं डालता मैं, बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, और रेट है 4 रुपए 3 रुपए, एक्चुअल 2470 यूनिट प्रोड्यूस किए, एक्चुअल कितने किए, 2470 यूनिट ए और बी का, 2470 यूनिट, ये 15,000 लग गया, या कुछ भी डिजिट ले लेते हैं, 15,100, और ये लग गया 13,900, रेट पड़ा 3 रुपए 50 पैसे, और इसका 5 रुपए। सेम सवाल मेरा है, मुझे बताइए ए के क्वांटिटी, और पहले मुझे क्वांटिटी में जवाब दीजिएगा कितना चेंजेस हुआ, फिर मुझे टोटल में जवाब दीजिएगा, फिर रेट में जवाब दीजिएगा, ए और बी के दोनों के लिए। अब ये सवाल है, पिछला वाला सवाल तो थोड़ा आसान था, आपने कर लिया फटाफट, इस वाले सवाल के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको निकालना पड़ेगा कि एक यूनिट कितने चेंजेस ला रहे हैं, करके दिखाइए फटाफट। आपके लिए स्क्रीन भी इमेज मैंने ले ली है, ट्राई करते हैं, इसी टेबल का इस्तेमाल कर लेता हूं मैं। अब जो हमें स्टैंडर्ड भी लेके चलना है वो कितने यूनिट के हिसाब से लेके चलना है, 2470, और एक्चुअल भी कितना होगा, 2470। एक्चुअल की तो हमें बातें बता रखी है 15,100, और बी का 13,900, और रेट 3.5, और इसका रेट 5। अब हमें स्टैंडर्ड में डालने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा एक यूनिटरी से कन्वर्जन करना पड़ेगा। सर क्या कन्वर्जन करना पड़ेगा, हमें पता है कि 5 यूनिट बन रहे हैं इतने में, तो हमें 2470 को 5 से डिवाइड करना होगा ताकि पता चल जाए कि एक यूनिट पे कितना खर्चा आ रहा है, ताकि हम मल्टीप्लाई कर पाए। 2470 डिवाइडेड बाय 5, 494, यानी 494 के हिसाब से देखा जाए तो 6 किलो, 494 × 6 किलो तो 2964, और डिवाइड, और दूसरे का देखा जाए तो कितना, 7 किलो, 3458। अब रेट की चर्चा करें तो रेट में बदलाव नहीं होता, 4 3 यही रहेगा, टोटल के टर्म्स में देख लें तो इंटू में 3 तो 10,374, 74, 11,856,
1500 इंटू में 3.5, 52,850। ये ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, बाकी इतना फर्क होता नहीं है कभी सोच में और एक्चुअल में। ये तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, इसलिए जो भी आए मेरे मन में मैंने लिख दिया। आपको डेटा फिल करना सिखा रहे हैं। 69,500, 11,500, इसका टोटल क्या रहा है? 200, और इसका, चलिए सर, यही जो हमने देखा था, क्वांटिटी और टोटल, और यही जवाब दे देते हैं। एक ही क्वांटिटी की बात करें तो 2664 माइनस 1500, 12,136 एडवर्स, 3458 माइनस 13,900, 10,442, ये भी एडवर्स। अब टोटल की बात करते हैं, तो टोटल में ये कंपेयर करेंगे, 11,500, 11,856 माइनस 52,850, माइनस 52,850, तो ये आ गया हमारा 40,994। इसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन चलेगा, किसका? इसका और इसका, है ना। 69,500 माइनस 103,74, 59,126। तो देखा जाए ये भी क्या है, एडवर्स। अब रेट में देखा जाए, 0.5 का फेवरेबल और 2 का एडवर्स, यानी रेट में काफी हद तक हम बचा पाए, लेकिन क्वांटिटी बड़ा उल्ट सिल्ट खर्च हो गया मेरे एग्जाम्पल में। तो इससे हमें क्या समझ में आया? और एक चीज और पूछूं, टोटल नेट इम्पैक्ट अगर आपसे पूछूं तो आप ये बता सकते हो जोड़ के सर टोटल होंगे? एक तो ये तरीका है टोटल इम्पैक्ट, या फिर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो तब भी टोटल बता दो कितना रहा। 1,00,000, 1,01,00,000, और वैसे भी कर सकते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, यानी टोटल स्टैंडर्ड माइनस में टोटल। तो सर एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इस डेटा का क्या काम था सर? इस डेटा का क्या काम था? इस डेटा की मदद से हम कन्वर्जन कर पा रहे थे। अब यहां पे कुछ भी हो सकता है, हमने दोनों तीन सवाल किए, तीनों आसान भी देख लिए, मुश्किल भी देख लिए, कुछ मुझेवाने भी पता चल रहा था, कुछ कन्वर्ट, यानी इसका महत्व समझ रहे हो कि आपको ये पता होना चाहिए, हमें स्टैंडर्ड का पर यूनिट कॉस्ट जानना जरूरी है ताकि एक्चुअल क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर पाए। बताइए यहां तक किसी को डाउट? मैंने सारा का सारा आंसर लिख दिया है, बताइए किसी का कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? आपकी क्लास सुबह मॉर्निंग 10 बजे की रहेगी, रेगुलर रहेगी? नो, ठीक है, यहां तक समझ में आया। कल सुबह मिलेंगे 10 बजे, और यहां तक के ही टॉपिक को आपको अच्छे से रिवाइज करके आना है, ताकि कल वाली क्लास के अंदर कोई बच्चा ऐसा ना सोचे कि ये हो गया ये रह गया, रिवाइज करके। अगर ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया ना, तो अगली क्लास आपको लगेगा सर ये तो हमें आता ही है, और आपके लिए आसान हो जाएगा स्टैंडर्ड इस तरीके से। ठीक है, तो मैं ज्यादा एकदम फास्ट भी लेके नहीं चलूंगा, रेगुलर क्लास में स्लो, और आप सिर्फ क्लास में जो काम दिया जाए इसी को अच्छे से रिवीजन करके अगले क्लास में आइए। आपको नो नीड टू एक्स्ट्रा क्वेश्चन में सारी चीजें बोर्ड नहीं कराऊंगा, ठीक है? हाँ, अभी 1 घंटे के विद इन अ 1 आवर आपका ये वीडियो में थोड़ा सा जो कट है, एडिटिंग वेडिटिंग होके सब अपलोड हो जाएगा विद इन आवर, ठीक है आपके इस कंटिन्यू। चलिए, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल।